अगला इसका फोर नंबर देखते हैं, फोर नंबर में है 404 एंड 96 का। चलिए देखते हैं, 404 और इधर लेते हैं 96, दोनों का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से ले जाएंगे 202, 2 से ले जाएंगे 101, यही ना हो जाएगा। अब ये नहीं जाएगा, रहने देते नहीं, ये 2 से ले जाएंगे आपका कितना बार में, 48 बार में, ठीक है। अब 2 से ले जाएंगे 24 बार में, 2 से ले जाएंगे यहाँ पर आपका 12 बार में, 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में। तो 404 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू में 101, और 96 इक्वल टू में 2 का पावर 5 और इंटू में 3, 2 का पावर 5 इंटू में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एच सी एफ की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखेंगे 2 का पावर 2, ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा। अच्छा एल सी एम की बात करेंगे तो एल सी एम इन दोनों में से आप 2 का पावर 5 को लिखेंगे ज़्यादा पावर वाले को, फिर आपका इंटू में 3 इंटू में 101 बन गया। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9696, ये आपका एल सी एम आ गया। अब वेरीफाई करना है, हम लोग लिखेंगे एल सी एम इंटू में एच सी एफ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए एल सी एम है आपका 9696 और इंटू में आपका एच सी एफ है आपका 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38784 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स की। तो कौन कौन से इंटीजर थे आपके, तो 404 था और 96 था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 38784, समझ गए। तो दोनों इक्वल आ गए, ये यही ना मैं वेरीफाई करना था, मैं दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स एच सी एफ और उनके एल सी एम के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे।